हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। किसी दूसरे ग्रह को एक्सप्लोर करने की तरफ हमारा यानी इंडिया का पहला कदम। मिशन का नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन, हिंदी में मंगलयान और शॉर्ट में मॉम, MOM। ये इंडिया की मार्स पर पहुंचने की पहली कोशिश थी और हम इसमें सफल हुए। पहले तो आपको रियल घटना बता देते हैं, फिर चलेंगे फिल्म की कहानी की तरफ। 5 नवंबर 2013 को इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। 298 दिनों के सफर के बाद 24 सितंबर 2014 को यान मार्स तक पहुंचा। इस मिशन की प्लानिंग में 6 महीने और सैटेलाइट को फास्ट ट्रैक रफ्तार से 15 महीने के रिकॉर्ड टाइम में तैयार कर लिया गया। इसे बनाने में टोटल खर्चा 450 करोड़ रुपए का बताया जाता है। कमाल की बात ये कि ये दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था। इसे सस्ता बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था तब इसरो के चेयरमैन रहे के राधाकृष्णन का, और इस मिशन को साकार करने में उनकी मदद की थी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही 5 महिला साइंटिस्ट्स ने। इंडिया के इसी मिशन पर एक फिल्म बनी है जिसका ट्रेलर 18 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस ट्रेलर के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो फिल्म की कहानी बता देते हैं। मिशन मंगल के ट्रेलर की शुरुआत होती है एक फेल हुए स्पेस मिशन से, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, लड़ते रहे। अब वो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मिशन है जिसके सफल होने की संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि ये मिशन बहुत सस्ता और कम अनुभवी लोगों की देखरेख में प्लान और एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन इस मिशन को तैयार करने की जिम्मेदारी 5 महिलाओं के पास है, जिसे एक मेल साइंटिस्ट हेड कर रहा है। इस मिशन के लिए उन वैज्ञानिकों को किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ये फिल्म इसी प्रोसेस के बारे में है। लेकिन ट्रेलर में कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ का भी जिक्र आता है। जो लोग इस मिशन में शामिल हैं वो क्यों हैं, कितने रिस्की मिशन के लिए उनको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, ये फिल्म इन चीज़ों के बारे में भी बात करेगी। अब फिल्म का वुमन पावर, उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में हीरोइनों को सिर्फ मतलब लड़कों से प्यार करने के लिए ही लिया जाता है, इसके अलावा उन्हें कुछ करने को नहीं दिया जाता। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन तभी ये फिल्म आती है जो आपकी सभी बनी बनाई धारणाओं को तहस नहस करके कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में 5 हीरोइनें काम कर रही हैं और वाकई काम कर रही हैं देश को एक कदम आगे ले जाने के लिए। मिशन मंगल में विद्या बालन इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर का रोल कर रही हैं, तापसी मिशन की नेविगेशन और कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, और सोनाक्षी संभाल रही हैं प्रोपल्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। साउथ इंडियन एक्ट्रेस नित्या मेनन अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म इस फिल्म से कर रही हैं, और सैटेलाइट के डिज़ाइन की जो मतलब आर्किटेक्ट हैं वो बनी हैं। कृति कुल्हाड़ी का किरदार भी इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, और बाकी बचे अक्षय कुमार जो मिशन के हेड हैं और शर्मन जोशी खर्च का हिसाब किताब रखेंगे। बनाया किन्होंने है, इसे डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। जगन इससे पहले चीनी कम पा, इंग्लिश विंग्लिश और अकीरा जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा पैडमैन, शमिताभ और हॉलिडे जैसी फिल्मों में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर जुड़े रह चुके हैं। मिशन मंगल उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर बाल्की भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसकी कहानी जानने के बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अब ट्रेलर रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि ट्रेलर देखकर क्या लगता है। आमतौर पर क्या होता है कि जिस फिल्म की कहानी आपको पता होती है उसे देखना आप अवॉइड करते हैं, अगर उसे देखना आपके काम का हिस्सा नहीं है तो। लेकिन इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। पहली हिंदी स्पेस फिल्म, एक रियल स्पेस मिशन से इंस्पायर्ड, उसमें भी वुमन सेंट्रिक, ऐसी फिल्में कहाँ ही रोज़ देखने को मिलती हैं। तो फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद पता चलता है कि ये फिल्म बात भले ही स्पेस जाने की करती है, लेकिन बात ज़मीन पर रहकर करती है। एक ह्यूमन एंगल है उसमें जो एक पुश का काम करता है देखने वाले के लिए। फिल्म में कॉमिक रिलीफ के लिए अक्षय कुमार बहुत सारी पंचलाइंस मारते हैं जो इस सब्जेक्ट के बैकड्रॉप में सुनने में थोड़ी सी हल्की लगती हैं। कुल मिलाकर देशभक्ति और गर्व वाली फीलिंग ट्रेलर देखकर आपको आती है। मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। बाकी अगर आपने ट्रेलर देख लिया हो तो ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या लगा ट्रेलर देखकर, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।